नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लॉकडाउन के बीच ग्राम रोजगार सेवकों के लिए प्रदेश सरकार ने दो अच्छी खबर दी है। पहली, ग्राम रोजगार सेवकों के पिछले बकाए का भुगतान हो गया। वहीं अब ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय 3600 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से गांव में मनरेगा के तहत कार्यों में तेजी आई है और श्रमिकों को लगातार इससे जोड़ा जा रहा है। इस कार्य के लिए ग्राम रोजगार सेवकों की धनराशि सरकार 3600 से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। वहीं उनके बकाया वर्ष 2017, 2018 और 2019 का भी भुगतान सरकार ने सीधे उनके खाते में किया है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रूप से यह इच्छा रहती है और उनके आदेश भी हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या अन्य मजदूर जो श्रमिक जो अपनी ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक गतिविधियों में करके धनोपार्जन कर सकते हैं अपनी जीविका के लिए, उनको अधिक से अधिक मनरेगा में जोड़ा जाए। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय को 3600 से 6000 रुपए कर दिया है और 17, 18 और 18-19 के कुछ बकाया जो राशियां थी इस जनपद के भी लगभग 1101 जो ग्राम रोजगार सेवक थे उनका 4,02,36,400 रुपए की धनराशि जो बकाया थी वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डीबीटी से उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि ग्राम रोजगार सेवक मन लगाकर जो प्रवासी मजदूर हैं या पहले से जो कार्यरत इच्छुक मजदूर हैं उनको अधिक से अधिक परियोजनाओं से जोड़कर उनको लाभान्वित करा सके। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।